बालोतरा के पास मेगा हाईवे बाईपास पर गुरुवार को वृद्ध का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर बालोतरा व पचपदरा पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान मोतीलाल प्रजापत उम्र 50 वर्ष निवासी रबारियों का टांका बालोतरा के रूप में हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सुपुर्द किया। बालोतरा से नील वैष्णव की रिपोर्ट। बालोतरा में गुरुवार को एक खेत में शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अज्ञात शव की सूचना पर कुछ ही समय बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। दरअसल बालोतरा के पास मेगा हाईवे बाईपास पर एक अधेड़ का शव देखकर लोग चौंक गए। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इस पर बालोतरा और पचपदरा पुलिस मौके पर पहुंची। मेगा हाईवे के पास एक खेत में शव मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बालोतरा स्थित राजकीय नाहटा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने मृतक की पहचान मोतीलाल प्रजापत 50 वर्ष निवासी रबारियों कांटा का बालोतरा के रूप में की गई। प्रारंभिक जांच में अत्यधिक शराब पीने से युवक की मौत होने का कारण सामने आया। बालोतरा में गुरुवार सवेरे मेगा हाईवे के पास एक खेत में शव मिलने के मामले में पुलिस प्रथम दृष्टया ज्यादा शराब पीने की वजह से युवक की मौत होने की बात कह रही है। वहीं दूसरी ओर लोग युवक की हत्या की आशंका भी जता रहे हैं। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस की जांच के बाद ही युवक की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा।